हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल भंडार में। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको एक सीरीज बोर्ड बनाना सिखाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके घरों की सॉकेटें जल्दी जल जाती हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से, और आपको उसमें शॉर्ट जो चीज़ होती है, जो चीज़ शॉर्ट हो चुकी है उसको ढूंढने में आपको काफ़ी टाइम लगता है, और आपके कटआउट जो होते हैं वो जल जाते हैं या फिर एनसीबी आपकी जल जाती है। तो आज हम इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं और आपको एक सीरीज बोर्ड बनाना सिखाएंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, ये एक सीरीज बोर्ड है और इसमें बीच वाला सॉकेट सीरीज के लिए बनाया गया है, और ये चटकनी जब आप बंद करते हो तो ये आपका सीरीज बोर्ड होता है ये वाला, और जब आप इसको ऑन करते हो तब आपका ये बल्ब जलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका कनेक्शन बता देता हूँ। जैसा कि आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये आपका बीच वाला सीरीज है, तो इसमें ये आपका न्यूट्रल है, और न्यूट्रल वाला ये टू वे स्विच है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टू वे स्विच है, और इसमें न्यूट्रल का जो तार है इस बीच वाली सीरीज वाली सॉकेट का, वो मैंने आपके टू वे की ये मैंने ऊपर लगा ऊपर वाले पीच में लगाया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस ये वाला जो है सॉकेट का दूसरा वाला जो पॉइंट है, इसको आपको इधर होल्डर के एक पॉइंट में लगा देना है। मैंने इस वाले पॉइंट में लगाया है, आप भी इस वाले पॉइंट में ही लगा दीजिएगा। और आपका ये जो चटकनी का नीचे वाला तार है, नीचे वाला जो पॉइंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला इस पर मेरी उंगली रखी हुई है, इसमें से आपको एक तार का टुकड़ा देना है और उसी पॉइंट में दोबारा लगा देना है। ये आप देख सकते हैं इसमें दो तार लगे हैं, ये वाला और ये वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाले में पॉइंट में दो तार लगे हुए हैं, और यहाँ से आपको फिर लेना है एक तार जाएगा। अब मैं आपको दूसरी वाली सॉकेट का बता देता हूँ, जिसमें आपको ये वाला जो पॉइंट है न्यूट्रल का, आपको इसका एक तार लेकर न्यूट्रल का जो चटकनी का स्विच का जो बीच वाला पॉइंट है उसमें लगा देना है। और आपको यहाँ पर जो ये पॉइंट बचा है सिर्फ, ये आपको यहाँ से ले जाकर होल्डर के दूसरे वाले जो खाली वाला पॉइंट था उसमें लगा देना है। और अब आपके ये दोनों पॉइंट बचते हैं, इन दोनों पॉइंट में आपका कोई तार नहीं लगता, ये सिर्फ अर्थिंग के लिए होते थे जो पहले इस्तेमाल होते थे, अब नहीं होते हैं क्योंकि इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब आपका इसमें दो मेन तार निकलने हैं, जो मेन तार आपके इन दो पॉइंट में से निकलेंगे, इन सॉकेट के दो पॉइंट में से निकलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों मेन तार हैं ये वाले। अब मैं आपको इसको यूज़ करके बताता हूँ ये कैसे यूज़ कराया जाता है। अब मैं आपको सीरीज लीड के द्वारा इसको समझा के दिखाऊंगा कि आप ये इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने ये सीरीज लीड ले ली है। अब आपको करना क्या है मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। जैसा कि मैं इस चटकनी को चालू करता हूँ तो ये बल्ब डायरेक्ट जलता है, लेकिन आपको चालू नहीं करना है, इसको बंद ही रखना है, तब आपका ये सीरीज बोर्ड चलेगा। यदि आप इसको चालू कर देते हो तो ये सीरीज नहीं लगेगा। अब आपको इसको बंद रखना है, इसको प्लग को आपको इसमें लगा देना है। जैसा कि आप फ्रेंड देख सकते हैं, मैं इस प्लग को इसमें लगा देता हूँ, और आप देख सकते हैं दो तार हैं इसी लीड के दो तार हैं। जब मैं इनको छुआता हूँ तो देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट हो जाती है, और शॉर्ट होने पर ये बल्ब जलता है। देखिए दोस्तों, मैं इसको जला करता हूँ तो ये शॉर्ट हो जाती है, और शॉर्ट होने पर ये बल्ब जलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स आपको मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर यदि आप इसको एग्जस्ट के लिए यूज़ करते हो, जो आपका पंखा नया भरा गया है उसके लिए आप यूज़ करते हो, तो आपको जब आप इस लीड को इसमें लगाकर चेक करोगे तो अगर ये बल्ब थोड़ा स्लो जलता है, यानी कि थोड़ा कम जलता है, तो आपका एग्जस्ट अभी सही है। अगर ये पूरा जल गया बल्ब, तो मान लीजिए आपका शॉर्ट है। अगर आपका ये थोड़ा जलता है तो आपका बल्ब एग्जस्ट शॉर्ट नहीं है, अगर ये पूरा जल गया तो आपका एग्जस्ट शॉर्ट है, मैंने आपको बता दिया है। अब आपको मैं इस तार को लगा के दिखाऊंगा, मैं जैसा कि आपको दिखा दूंगा अब इसमें दोबारा कि ये शॉर्ट होता है कि नहीं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, ये तार शॉर्ट है अभी, जैसे जैसे मैंने यहाँ से इधर लगा दिया है, और ये बल्ब जल रहा है, यानी कि ये सीरीज बोर्ड आपका तैयार हो चुका है।
अगर यदि आप गलती से भी इस तार को इसमें लगा देते हो तो आपका ये बल्ब, ये आपका तार शॉर्ट हो जाएगा और आपको करंट लगने का खतरा भी है। तो इसलिए सावधानी से मैंने इसीलिए इस पर ऐसे लिख लिया है, जिससे कि मुझे पता चल जाए ये सीरियस है। और आप इस चटकनी को ऊपर ही करना है, ऊपर ही रखना है। अगर आप नीचे कर देते हो तो ये काम नहीं करेगा और इसको शॉर्ट भी हो सकता है। आपको बंद कर कर ही इस चटकनी को तब आपको ये काम करना है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाते रहते हैं।